हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए करंट स्कैन यानी करंट अफेयर्स। और यहां पर आज 6 मई है, यानी 6 मई है आज। तो आज यहां पे हम करंट अफेयर्स देख रहे हैं, ये हिंदी में रहने वाला है पूरा वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं आप कौन कौन से क्वेश्चन हैं। देखिए, मैंने कल आपसे एक सजेशन मांगा था आपको इस जो है आपके प्रीलिम्स और मेंस के पर्पज से, यानी कि यूपीएससी एग्जाम हो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास इतना कंटेंट भी नहीं है कि आप प्रीलिम्स तो निकाल सकते हैं, लेकिन मेंस में आ जाके आप अटक रहे हैं। तो यही सब देखते हुए मैंने मेंस के लिए नोट्स बनवाने का फैसला लिया था। उसमें आपको प्रीलिम्स भी वहाँ समाहित हो जाएगा और मेंस का तो पोर्शन कवर होगा ही होगा। तो देखिए, उसमें लगभग 80% लोगों का जो है पॉजिटिव फीडबैक आया मुझे। 80% से ज़्यादा लोग मुझे पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं कि हाँ सर, आप करवाइए, हम आपके साथ हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप लोग साथ तो सब लोग हैं मैं मानता हूं, लेकिन देखिए वहां पर जो मैं कल मतलब एक दो दिन में वीडियो लेके आने वाला हूं, उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप एक तो जो एक मतलब वाइट पेपर रखें, यानी वाइट पेपर या जो आप कॉपी या स्पायरल वगैरह जो मिले वो बिल्कुल ब्लैंक होनी चाहिए। यूपीएससी में जो कॉपी आती है, यानी यूपीएससी का अगर आप जो किसी सीनियर से बात करेंगे जो एग्जाम दे चुका होगा मेंस का, वो आपको बताएगा यूपीएससी में कॉपी बिल्कुल प्लेन आती है, वहां पर लाइनदार कॉपी नहीं आती है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आपको प्लेन पेपर पर प्रैक्टिस होनी चाहिए लिखने की। एक प्लेन पेपर पर आपकी लाइन कोई लाइन मालूम पड़े कि एक लाइन यहां से चल के यहां पर ऊपर जा रही, तिरछी जा रही है, एक लाइन नीचे ऐसे जा रही है, यह नहीं होना चाहिए। मतलब तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको प्लेन पेपर पर कैसे लिखना है, यह सबसे बड़ी बात है आना चाहिए। यानी कि आप सीधी लाइन लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, दो लाइनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए और हम किस तरह से पॉइंट बनाकर या हेडिंग बनाकर लिख रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसके लिए आपको व्हाइट पेपर लेना है। और व्हाइट पेपर में देखिए, पहले तो थोड़ा राइटिंग गंदा आ सकता है या फिर लाइनें तिरछी जा सकती है, कोई ऐसी लाइन जाए या कोई ऐसी जाए, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करेंगे आप लगातार तो आप कुछ दिनों बाद निपुण हो जाएंगे। मेरा मानना यह है कि आप अब इस व्हाइट पेपर पर या ब्लैंक पेपर पर ही आप अभ्यास करेंगे, यानी जो भी नोट्स बनाएंगे वो ब्लैंक पेपर पर बनाएंगे, ये आपके लिए पहली हिदायत है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं यहाँ कौन कौन से क्वेश्चन है। देखिए, पहला है यहाँ पे मैथिली भाषा के संदर्भ में, यानी कि मैथिली भाषा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताइए कौन सा कथन जो है वो सही है मैथिली भाषा के संदर्भ में। पहला है, मैथिली भाषा का संबंध भाषा की इंडो द्राविडियन शाखा से है। देखिए, पहला वाला कथन जो है वो सही नहीं है। मैथिली भाषा जो है वो बिहार में बोली जाती है, या आप जानते ही होंगे मैथिली भाषा प्रमुख रूप से बिहार में बोली जाती है। ठीक है, यानी कि बिहार का पुराना नाम मिथिला ही था, मिथिला, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जो हमारी सीता माता थी वो बिहार से बिलोंग करती थी, बिहार वाले रीजन से बिलोंग करती थी, मिथिला प्रदेश। ठीक है, उन्हीं के नाम पे ये भाषा पड़ी मैथिली, इस भाषा का नाम मैथिली पड़ा। ठीक है, और ये मैथिली भाषा थी, ये इंडो द्राविडियन नहीं थी बल्कि इंडो आर्यन थी, ये इंडो आर्यन शाखा से बिलोंग करती है ये भाषा, ये आप जान लीजिए। इंडो द्राविडियन नहीं बल्कि इंडो आर्यन से बिलोंग करती है, और भोजपुरी और मगधी का इस भाषा से गहरा संबंध रहा है। भोजपुरी और मगधी भी बिहार की भाषाएं हैं और इन दोनों का भी इस मैथिली भाषा से गहरा संबंध है। ठीक है, तो पहला वाला कथन गलत है। सेकंड है, यह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में से एक है। देखिए, ये जानना जरूरी है कि जो भाषाएं हैं हमारी वो 8वीं अनुसूची में रखी गई हैं। ठीक है, और हमारी जो भाषाएं हैं यानी कि जो प्रांतीय भाषाएं हैं वो उनकी संख्या टोटल 22 है। ठीक है, और इनमें से मैथिली भी इसमें उल्लिखित है। ठीक है, तो यहाँ सेकेंड वाला कथन सही है, तो आंसर है बी, केवल सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में आपको बताना है यहाँ पर कि कौन से कथन यहाँ पे सही हैं। पहला है, यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। देखिए, पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, जो ये है यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे फसाई बोलते हैं शॉर्ट में, ये एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है जिसे खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम यानी कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम FSS एक्ट 2006 इसके तहत इसका जो है निर्माण किया गया था, एक्ट 2006 के तहत इसका जो है गठन किया गया था, और यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त वैधानिक निकाय है। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड है, FSSAI खाद्य व्यवसायों के लिए खाद्य सुरक्षा लाइसेंस एवं प्रमाणन प्रदान करता है। ठीक है, जो आपका फसाई है, ये जो खाद्य सुरक्षा से संबंधित या खाद्य व्यवसाय से संबंधित हैं ये लाइसेंस, तो ये लाइसेंस भी उन्हें प्रोवाइड करवाता है। तो दोनों ही कथन सही है यहाँ, तो आंसर है सी, यानी एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, ई औषधि पोर्टल का संबंध यहाँ पर किससे है। ठीक है, देखिए, ई औषधि पोर्टल का संबंध जो है ये है आयुष दवाओं और संबंधित
मामलों की ऑनलाइन लाइसेंसिंग से है, ठीक है। यानी आयुर्वेद जो आप आयुष की फुल फॉर्म जानते होंगे, आयुर्वेदिक यूनानी सिद्धा, ठीक है, होम्योपैथी, तो इन औषधियों की लाइसेंसिंग से है आयुष का संबंध, ठीक है। तो इसके लिए ई औषधि नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पर तीसरे का ऑप्शन है बी वाला। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने हिंदी को अपनी तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोगों के माइंड में फिजी वगैरह का जिक्र गया होगा, फिजी या मॉरिशस वगैरह का जिक्र गया होगा, इसके बारे में किसी नहीं सोचा होगा अभी हाल ही में। देखिए ये संयुक्त अरब अमीरात ने अरबी, जो आप इनकी संयुक्त अरब अमीरात की भाषा अरबी यानी अरबी और इंग्लिश के बाद सेकंड नंबर पे जो है इनकी इंग्लिश है, इंग्लिश के अलावा इन्होंने तीसरे नंबर पे भारतीय भाषा को यानी हिंदी को यहाँ पे रख दिया है, ठीक है, ये आप जान लीजिए। इन्होंने फर्स्ट इनकी जो है अरबी है, दूसरे पे इंग्लिश है और थर्ड पे कौन सी कर दी, हिंदी। तो ये है हो गया देश है संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, ठीक है। तो इसे तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया है, किसे, हिंदी को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ यानी NBWWL यानी राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है, इसके संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है, यह वन्य जीव संबंधी सभी मामलों की समीक्षा के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। देखिए पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है, जो आपका वन्य जीव संबंधी सभी मामलों की समीक्षा के लिए और राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों एवं इसके आसपास की परियोजनाओं की मंजूरी के लिए एक सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है, कौन, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। सेकंड है, यह एक सलाहकार निकाय है, यह एक सलाहकार निकाय है और वन्य जीवों के संरक्षण हेतु नीति बनाने पर सरकार को केवल सलाह दे सकता है। देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि यह बोर्ड एक सलाहकार बोर्ड की तहत कार्य करता है और यह केवल जो है सलाहकारी निकाय है और केवल नीति निर्धारण पर सरकार को सलाह दे सकता है, ठीक है, कोई आदेश नहीं कर सकता सरकार को बल्कि सलाह दे सकता है। देखिए यहाँ दोनों ही कथन सही है, तो यह आंसर है सी, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, दिल्ली विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ बताना है आपको कौन सा कथन आपका सही है दिल्ली विधानसभा के क्षेत्र संदर्भ में। पहला है, यहाँ पे मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। देखिए पहला वाला कथन जो गलत है, संविधान के अनुच्छेद 239 यानी आर्टिकल 239A के तहत, 239A के तहत बता देना चाहूंगा आपको, इसके अनुसार जो है उपराज्यपाल की सहायता और उसे सलाह देने के लिए मंत्रियों की एक परिषद होगी जिसके सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के से 10% से ज्यादा नहीं होगी, यानी विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 10% से ज्यादा नहीं होगी। ये आर्टिकल 239A है, मैं लिख दे रहा हूँ आर्टिकल 239A, ठीक है, इसके तहत ये प्रावधान किया गया है और इस परिषद का अध्यक्ष जो होगा वो मुख्यमंत्री होगा। सेकेंड है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए सेकेंड वाला कथन बिल्कुल सही है, मुख्यमंत्री यानी कि ये विधानसभा की बात हो रही है, दिल्ली विधानसभा की बात हो रही है, ठीक है, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति यहाँ पे राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड वाला कथन सही है, तो यहाँ आंसर है बी, केवल सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अपशिष्ट से ऊर्जा यानी बेस्ट टू एनर्जी अपशिष्ट से ऊर्जा WTE उत्पादन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर बताना है कौन सा आपका सही है। पहला है आपका, जीव जनित वनस्पति या पशु उत्पाद पदार्थ जैसे कागज, गत्ता, खाद्य अपशिष्ट, पत्तियां, लकड़ी और चमड़े के उत्पाद जैसी सामग्री का उपयोग अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों में ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल सही है, अपशिष्ट का मतलब जो होता है बेस्ट, यानी कि जो हम बिल्कुल त्याग देते हैं, और इनमें कागज, गत्ता, खाद्य अपशिष्ट, पत्तियां, लकड़ी और चमड़े के उत्पाद जैसी सामग्री यहाँ पर प्रयोग की जाती है और इससे हम ऊर्जा संयंत्रों में इससे ऊर्जा का उत्पादन इससे किया जाता है। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड है, अपशिष्ट से को ऊर्जा उत्पादन के लिए स्वच्छ और नवीकरणीय ईंधन स्रोत माना जाता है। देखिए अगर हम बेस्ट जो है यानी कि पर्यावरण में से जितना बेस्ट को रिड्यूस करेंगे, उसका उपयोग कर लेंगे, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं पर्यावरण जो है स्वच्छ बनेगा। इसलिए जो बेस्ट जो है यानी कि जो बेस्टेज है और इसका उपयोग करके अगर एनर्जी बना रहे हैं, तो इसे हम स्वच्छ और नवीकरणीय ईंधन के स्रोत के रूप में माना जाता है इसे। देखिए यहाँ दोनों ही कथन सही है, तो यहाँ आंसर है सी, यानी एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यहाँ पर अंतरिक्ष मिशन कौन सा किसका है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित
है, यानी सही सुमेल योग में कौन सा है? पहला है अपॉर्चुनिटी मार्स रोवर। देखिए अपॉर्चुनिटी मार्स रोवर जो है इसरो का नहीं है, ये इसरो का नहीं है बल्कि ये नासा का है, ठीक है, ये नासा का है, आप जान लीजिए ये नासा का मिशन है अपॉर्चुनिटी मार्स रोवर। और ये मिशन मंगल ग्रह के प्रारंभिक विकास को समझने, ग्रह एवं ग्रहों की प्रणाली के संगठन व प्रारंभिक रूप को समझने के लिए विकसित किया गया है, ठीक है। और इसने अपने हाल ही में अभी अपने सेवा के 15 साल पूरे किए हैं, अपॉर्चुनिटी मार्स मिशन ने इसने 15 ईयर कंप्लीट कर लिए हैं। और ये नासा का है, पहला वाला कथन तो गलत हो गया। सेकेंड है मार्स ऑर्बिटर मिशन। देखिए सेकंड वाला कथन मार्स ऑर्बिटर उसमें लिखा है नासा, ये सेकंड वाला कथन गलत है। मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है ये नासा के द्वारा नहीं है, ये 5 नवंबर 2013 को PSLV C25 द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया था और ये इसरो ने लॉन्च किया था ये मिशन, इसरो ने, ठीक है, यानी कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसने लॉन्च किया था मिशन, इसने पहले प्रयास में 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रयास किया, यानी कि इसने 24 सितंबर 2014 एक ऐतिहासिक पल बन गया था भारत के इतिहास में और इसरो के इतिहास में जब इसने मंगलयान ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था, ठीक है। तो यहाँ सेकेंड वाला कथन भी गलत है। थर्ड है AOLS यानी कि ESA। देखिए ALO जो आपका AOLS है, ये ESA यानी अर्थ जो एक्सप्लोरर एओलस सैटेलाइट है इसको ध्रुवी कक्षा में लॉन्च किया गया, ठीक है। और एओलस जो है ये ESA द्वारा, यानी कि ESA का मतलब होता है अर्थ एक्सप्लोरर एओलस सैटेलाइट, इसको ध्रुवी कक्षा में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और यह परिवर्तनकारी आधुनिक लेजर तकनीक का उपयोग करते हुए दुनिया भर में हवाओं को मापता है और हमारे वायुमंडल के कामकाज को बेहतर ढंग से कैसे कार्य कर रहा है उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका यह निभाता है। तो ये ESA के द्वारा लॉन्च किया गया AOLS, ठीक है, यानी कि अर्थ एक्सप्लोरर AOLS सैटेलाइट, इसका फुल फॉर्म यही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए तीसरा वाला युग्म सही सुमेलित है, तो ये आंसर है सी केवल थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये जिसे JWST या वेब भी कहा जाता है, कार्यक्रम के साथ निम्नलिखित में से किन एजेंसियों ने समझौता किया है? देखिए जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसके साथ मैं बता रहा हूँ ये, या इसे वेब भी कहा जाता है, ये 6.5 मीटर प्राथमिक दर्पण युक्त एक बड़ा जो है टेलीस्कोप है जिसे 2021 में फ्रेंच गुयाना से AN-5 रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया जाएगा। यानी कि इसे 2021 में कब लॉन्च किया जाएगा? इसे 2021 में लॉन्च किया जाएगा, कहाँ से? फ्रेंच गुयाना आप जानते होंगे कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, एक देश है फ्रेंच गुयाना। तो ये वहाँ से उसे लॉन्च किया जाएगा, कब? 2021 में लॉन्च किया जाएगा। और ये एक वेब टेलीस्कोप है 6.5 मीटर का, ठीक है। और ये जो वेब टेलीस्कोप है ये हमारे ब्रह्मांड के इतिहास के प्रत्येक चरण का अध्ययन करेगा, साथ ही बिग बैंग थ्योरी है इसकी उद्दीप्त का विस्तार कहाँ तक है, सौरमंडल का गठन कहाँ तक है, पृथ्वी जैसे ग्रहों और हमारे अपने सौरमंडल के विकास का पूरा अध्ययन ये करेगा। तो ये जो है ये यहाँ पर इसमें जो योगदान दे रहे हैं वो यहाँ पे योगदान देने वाले हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये नहीं दे रहा है, नासा दे रहा है, यूरोपियन जो एजेंसी दे रही है, ठीक है, यानी यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी दे रही है, कनाडा स्पेस एजेंसी दे रही है। यहाँ पे 2-3-4 कथन सही है, तो आंसर है सी केवल 2-3 और 4। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के उद्देश्य हैं? श्रम योगी मानधन यानी PMSYM, ठीक है, ये योजना है, यानी प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, इसके उद्देश्य क्या है? पहला है यहाँ पे, इसके अंतर्गत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम 30,000 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है। देखिए 3,000 रुपये की पेंशन प्रदान की जाती है। देखिए इस योजना के तहत न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी और योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद हर महीने न्यूनतम 3,000 रुपये पेंशन प्रदान की जाएगी। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड है, इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। देखिए ये सेकंड वाला कथन गलत है, इसे सामाजिक न्याय के द्वारा नहीं, यानी सामाजिक न्याय के द्वारा नहीं बल्कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इसके द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय आप जान लीजिए, ठीक है, रोजगार मंत्रालय के द्वारा इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। तो यहाँ पे सेकंड वाला कथन गलत है, यहाँ पे केवल पहला वाला कथन सही है, तो यहाँ आंसर है केवल एक, ठीक है। और ये लागू कब हुई थी? ये लागू की गई है 15 फरवरी 2019 को, ये आप जान लीजिए, ये 15 फरवरी 2019 को ये लागू हुआ है,
ठीक है, 15 फरवरी 2019 को ये लॉन्च हुई है योजना, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, ये लॉन्च 15 फरवरी 2019 को हुई है लॉन्च, ठीक है। तो यहाँ पे केवल पहला वाला ऑप्शन सही है, तो यहाँ 10 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विश्व व्यापार संगठन WTO इसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो इसके बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है, यह राष्ट्रों के बीच व्यापारिक नियमों से निपटने वाला एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है। देखिए पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है कि ये WTO जो है ये विश्व में व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर कर वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर सरकारी संगठन है, और इसकी स्थापना जो हुई थी WTO की वो 1995 में हुई थी, 1995 में हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, मार्केस संधि के द्वारा। मार्केस संधि यानी संधि का नाम मैं बता दे रहा हूँ, ये मार्केस संधि थी, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये संधि का मैनिफोल्ड वॉल था, मार्केस संधि के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये आप जान लीजिए, ठीक है, मार्केस संधि थी। सेकंड है, यह ब्रेटन वुड्स संस्थान का एक भाग है, ठीक है, ये जो WTO है इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर वो है जो है जेनेवा में है, ये हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है, ये आप जान लीजिए, ठीक है। इसके अलावा यह लक्ष्य यह सुनिश्चित करती है कि वैश्विक व्यापार जितना संभव हो उतना सुगम बनाया जाए, ठीक है। सेकंड है, यह ब्रेटन वुड्स संस्थान का एक भाग है, देखिए सेकंड वाला कथन गलत है, यह ब्रेटन वुड्स संस्थान का भाग नहीं है, ब्रेटन वुड्स का भाग नहीं है ये वाला, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ब्रेटन वुड्स संस्थान है, यानी कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ब्रेटन वुड्स संस्थान है। देखिए यह अकेला ब्रेटन वुड्स संस्थान का भाग नहीं है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये दोनों ही है ब्रेटन वुड्स संस्थान, ठीक है। तो यहां सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है, तो यहां आंसर है केवल एक। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, न्यूनतम उपलब्ध गहराई सूचना प्रणाली, न्यूनतम उपलब्ध गहराई सूचना प्रणाली, इसके संदर्भ में बताना है कौन सा कथन यहां पे निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए न्यूनतम उपलब्ध गहराई सूचना प्रणाली जो है ये भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से संबंधित है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से संबंधित है, और राष्ट्रीय जलमार्गों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI, तो इसने एक नया पोर्टल न्यूनतम उपलब्ध गहराई सूचना प्रणाली, इसने एक न्यूनतम पोर्टल नया पोर्टल बनाया है न्यूनतम उपलब्ध गहराई सूचना प्रणाली, ठीक है, ये लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये यहाँ आंसर है ए, यानी कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च हुआ है, ठीक है। ये जो पोर्टल है ये यह सुनिश्चित करेगा कि न्यूनतम उपलब्ध गहराइयों के बारे में वास्तविक आंकड़ों को जहाज और मालभाग जहाजों के मालिकों को प्रसारित किया जाएगा ताकि वे राष्ट्रीय जलमार्गों पर अधिक नियोजित तरीके से परिवहन संचालन कर सकें। अच्छा कमेंट में आप ये बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, IWAI का हेडक्वार्टर कहाँ है। इसके अलावा ये बताना है कि नेशनल वाटरवेज वन NW1 कौन सा है, ठीक है, NW2 कौन सा है, यानी कि नेशनल वाटरवेज वन और नेशनल वाटरवे टू कौन सा है, ये दोनों आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। तो यहाँ बारे में का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, प्रवाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, प्रवाल भित्ती आप जानते होंगे। पहला है, प्रवाल कठोर संरचना वाले चूना प्रधान जीव सीलेंट्रेटा पॉलिक्स होते हैं। देखिए पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है, प्रवाल जो है कठोर संरचना वाला चूना प्रधान जीव सीलेंट्रेटा पॉलिक्स होता है, और इन प्रवालों की कठोर सतह अंदर सहजीवी संबंध से रंगीन शैवाल जू जेंथली इसमें पाया जाता है। तो यहाँ सेकंड वाला पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड है, इन्हें समुद्रीय वर्षा वन भी कहा जाता है। देखिए सेकंड वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है, प्रवाल भित्तियों को विश्व के सागरी जैव विविधता का उष्ण स्थल इन हॉटस्पॉट माना जाता है, और इन्हें समुद्री वर्षा वन कहा जाता है, ठीक है। प्रायः जो प्रवाल होती हैं ये प्रवाल जो है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस में जिंदा रहता है, ठीक है, ये आप जान लीजिए। और प्रवाल जो है कम गहराई पाई जाती हैं क्योंकि अधिक गहराई पर सूर्य प्रकाश व ऑक्सीजन की कमी होती है, और प्रवालों के विकास के लिए स्वच्छ एवं अवसाद रहित जल आवश्यक है क्योंकि अवसादों के कारण प्रवालों का मुख बंद हो जाता है और वे मर जाते हैं। प्रवाल भित्तियों का निर्माण कोरल पॉलिप्स नामक जीवों के कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित खोल के अस्थि पंजरों से होता है, ठीक है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का ये जीव होता है, यानी कि जो प्रवाल का जीव है इसका नाम है कोरल पॉलिप्स, ये जीव का नाम मैं बता दे रहा हूँ, इस जीव का नाम है कोरल पॉलिप्स, ये जीव जो है इसका निर्माण करता है, ठीक है, पॉलिप्स इसके द्वारा निर्माण होता है, कोरल पॉलिप्स के द्वारा, और खोल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, CaCO3 का खोल बनाता है ये और मर जाता है। तो यहाँ पहला दूसरा कथन दोनों सही है, तो आंसर है सी, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका,
ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में, देखिए ग्रेट बैरियर रीफ की बात हो रही है यहाँ, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्त है। ठीक है, पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जो ग्रेट बैरियर रीफ है, अब ऑस्ट्रेलिया का मैं यहाँ से मानचित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए आई थिंक मैं भूल गया, देखिए इस तरह का मानचित्र आप बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया का, इस तरह का जो मानचित्र बन जाएगा पूरा इस तरह का, ठीक है, तो यहाँ पे पड़ती है, इस साइड में पड़ती है, ठीक है, इस साइड में ये वाली पड़ती है, यानी पूर्वी हिस्से में पड़ती है। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ठीक है, और ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी छोर पर 1200 मील तक फैली हुई है, यानी 1200 मील तक ये फैली हुई है, जान लीजिए, ठीक है, 1200 माइल तक फैली हुई है ये, और इसकी चौड़ाई 10 मील से 90 मील तक है, यानी 10 से 90 मील तक है इसकी चौड़ाई, ये बिड़त है, ठीक है, 10 से 90 मील इसकी बिड़त है, ये भी आप जान लीजिए बिड़त है ये इतनी, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन तो सही है। सेकंड है, इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में चुना गया है क्योंकि यह जीवन की एक विस्तृत विविधता का समर्थन करती है। देखिए यह जीवन की एक विस्तृत विविधता का समर्थन करती है, इसके लिए इसे 1981 में 1981 में यूनेस्को द्वारा, यानी यूनेस्को जो आपकी संस्था है इसके द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में नॉमिनेट किया गया है, इसे चिन्हित किया गया है यूनेस्को के द्वारा 1981 में, ठीक है। और ग्रेट बैरियर रीफ लंबे समय से प्रदूषण, कोरल ब्लीचिंग और क्राउन ऑफ थॉर्न नामक स्टारफिश के हमलों के कारण क्षतिग्रस्त हो रही है। यहाँ दोनों ही कथन सही है, तो यहाँ आंसर है सी, यानी एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इसके संदर्भ में बताना है कौन सा कथन आपका सही है। भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इसके संदर्भ में बताना है कौन सा कथन यहाँ पे आपका सही है। पहला है, यह जहाजरानी मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, ये पहला वाला कथन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारतीय अंतरदेशी जो है जलमार्ग प्राधिकरण, यानी IWAI, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी इंडिया, और ये जो भारतीय अंतरदेशी जलमार्ग ये है, इसके तहत जहाजरानी मंत्रालय तक एक सामुदायिक निकाय है। देखिए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना थी वो भारतीय अंतरदेशीय अधिनियम 1985 के तहत इसकी स्थापना हुई थी, 1985 का अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है, यानी कि इसका जो हेडक्वार्टर जो है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, ये नोएडा यूपी में है, यानी कि नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आप जान लीजिए, नोएडा यूपी में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन तो सही है। सेकंड है, इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। देखिए सेकंड वाला गलत है, इसका मुख्यालय मैंने बताया था नोएडा यूपी में है, ठीक है, और इसके बारे में आपको मैं बता भी चुका हूँ, उसका क्या 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 है, क्या क्या देख रहा है, ये भी आप बता चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में। तो केवल पहला वाला कथन सही है, तो यह आंसर है केवल एक। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और देखिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मैं यहाँ पर ये आपको टारगेट यही बना रहा हूँ आप सब लोगों का कि हम लोग 6 से 7 महीने में जितना रिटेन वाला पोर्शन है, यानी जितना प्री और मेंस वाला पोर्शन है वो फोकस कर रहे हैं उस पर, उसे कवर कर सकें। तो आप लोग भी, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग पूरा पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन दीजिए, पूरा अपना सहयोग दीजिए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, वरना अकेले से पॉसिबल होना नामुमकिन है। तो आपको सहयोग देना पड़ेगा, पूरा एक्टिव रहना पड़ेगा, तभी मैं आगे आपके लिए कुछ कर पाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।